विश्व इतिहास में भारत ही जातियों का अजायस घर कहलाने वाला एक ऐसा देश है जहां अमानवीय एवं गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को लेकर हजारों वर्षों से छुटपुट विद्रोह तो होते रहे, पर जब अधिकार विहीन इंसान असमानता के घोर अंधकार में पशुवत जिंदगी जीते हुए तथा कथित धर्म के कठोर बंधनों से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा था, तब इस लाचार बेबस दलित समाज को एक चिंगारी की तलाश थी और सिर्फ एक किरण की। समय ने करवट ली, घोर अंधकार की काली रात व्यतीत हुई और हुआ नया सवेरा। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान रूपी सूर्य का उदय हुआ। कौन था वो संविधान का निर्माता जो बना स्वतंत्र भारत का भाग्य विधाता? वो था भारत का कोहिनूर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान में मानवीय अधिकारों एवं दलितों के लिए कानूनी प्रावधान किए। फिर एक दिन यह ज्ञान का सूरज अधूरे सपनों को छोड़कर भारतीय क्षितिज में 6 दिसंबर 1956 को अस्त हो गया। अब अनाथ दलितों के सामने प्रश्न था, कौन होगा डॉक्टर अंबेडकर का असली वारिस? लगभग 2 दशकों बाद हर गांव और हर शहर में बस सबकी जुबान पर एक ही नाम था, कांशीराम, कांशीराम। मानवर कांशीराम साहब के बचपन का सवाल है जी। इनके पिता का नाम हरि सिंह था, सिख परिवार से थे जी, और वो बचपन से ही बड़े स्वाभिमानी जी व्यक्ति थे। वो किसी सामाजिक बंधनों में नहीं बंधना चाहते थे। कांशीराम साहब जी का जन्म 15 मार्च 1934 में खुआसपुर गांव जिला रोपड़ पंजाब में हुआ। माँ के माँ माँ मुझे जुड्डा कटवाना है। कशिया, ये क्या कह रहे तू? जुड्डा काट दो बेटा। कशिया, हम सिख हैं इसलिए हम बाल नहीं कटवाते। नहीं माँ, मुझे तो जुड्डा कटवाना है। नहीं बेटा, हम बाल नहीं कटवाते। पुत्र, तुम्हारी माँ ठीक तो कह रही है, हम सिख हैं तभी तो जुड्डा रखते हैं और बाल नहीं कटवाते। हम खेत पे जा रहे हैं और बाल मत कटवाना, ठीक है? नहीं माँ, मुझे जुड्डा कटवाना है। हम सिख हैं तभी तो जुड्डा रखते हैं और बाल नहीं कटवाते। हम सिख हैं तभी तो जुड्डा रखते हैं और बाल नहीं कटवाते। हम सिख हैं तभी तो जुड्डा रखते हैं और बाल नहीं कटवाते। अरे कसिया, तूने ये क्या किया? तूने जुड्डा ही कटवा दिया? माँ, मैं किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता। जितना समय मेरे बाल धोने में, जुड्डा करने में लगता है, उस समय को मैं अपनी पढ़ाई और काम करने में लगाऊंगा। अरे ये क्या कह रहा है मुंडा तू?
पुत्र अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करना, हमारा भी नाम रोशन करना और अपना भी नाम रोशन करना। जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने बड़े आदमी बनोगे। काशीराम साहब पढ़ाई के साथ साथ काम करने एवं कुश्ती लड़ने में बड़े ही माहिर थे। साहब के घर में घड़ी ना होने के कारण वो ट्रेन की आवाज सुनकर 5 बजे पढ़ाई करने उठ जाते थे। कांशीराम साहब गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ पंजाब से बीएससी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पुणे में शासकीय नौकरी करने लगे। मैं तुम्हारे रोज रोज के नारे से तंग आ गया हूँ। साहब मुझे छुट्टी चाहिए बस, अपने महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी चाहिए। दीने वाला क्या चाहिए तुम्हें, नौकरी या अम्बेडकर जयंती की छुट्टी? दोनों साहब, नौकरी भी और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर छुट्टी भी। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। देखो दीना माना, तुम राजस्थान के हो, अम्बेडकर तो महाराष्ट्र के महारों के थे और महार आंदोलन से पीछे हट गए। तुम भी अपनी नौकरी बचा लो, छोड़ दो ये आंदोलन और काम पर वापस लग जाओ। बाबा साहब महाराष्ट्र के महारों के ही नहीं समूचे देश के थे और हमारे समाज के हित के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया है। मुझे उनकी जयंती पर छुट्टी चाहिए बस। आजकल ये बहुत नेतागिरी कर रहा है, आने दो बड़े साहब को, इसकी शिकायत करते हैं। हाँ आज तो इसकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। साहब नमस्ते। सर साहब आपने सही डिसीजन लिया है, वो इसी लायक है। आप दीना भाना को बुलाइए। एक मछली सारे तालाब को बदला करती है। ये सारे कर्मचारियों को भड़का रहा है कि अम्बेडकर जयंती की छुट्टी चाहिए, इसलिए सारे कर्मचारी भड़क रहे हैं। नमस्ते साहब। दीना भाना तुमने अनुशासनहीनता की है, मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त। क्या हुआ अंदर दीना भाना, काफी शोर हो रहा था और तुम्हारी आंखों में इतनी आंसू क्यों हैं? मुझे बड़े साहब ने नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने अपने महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी मांगी साहब, इसलिए। और इतने बड़े अधिकारी से तुम्हें डर नहीं लगा? अरे डरता क्यों साहब, मैंने कोई चोरी थोड़ी की थी, मैंने तो बस अपने महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी मांगी थी। अच्छा आप बताओ साहब, क्या अपने महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी लेना हमारा अधिकार नहीं है?
दीना भाना, अधिकार मांगे नहीं जाते हैं, छीने जाते हैं। मांगी तो सिर्फ भीख जाती है, और तुम होके अधिकार मांग रहे हो। तो फिर इस अन्याय के खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा साहब। उसके लिए वकील करना पड़ेगा। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? 10 रुपए महीने का मैं दे सकता हूँ साहब। आओ चलो मेरे साथ। मैंने आपका केस स्टडी किया है, केस में दम है, आप ये केस जरूर जीतोगे। साहब फीस कितनी लगेगी? कम से कम 1000 रुपया। इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास, चलते हैं। ठहरो दीना भाना, वकील साहब जी, ये 500 रुपया है, आप कोर्ट में केस दायर कीजिए, बाकी पैसे भी आपको मिल जाएंगे। जरूर, धन्यवाद। चलो दीना, नमस्ते साहब। साहब मैं तो आपका कुछ नहीं लगता ना, फिर भी आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? जानते हो दीना भाना, वो हर लोग मेरे अपने हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तुम चिंता मत करो, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी है, और जब तक मैं तुम्हारी बहाली नहीं करा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। चलो। सर मानवर साहब का जो पहला आंदोलन था राजनीति की तरफ, तो कब उन्हें लगा कि मुझे समाज के प्रति, समाज के लिए आंदोलन करने चाहिए? समाज को एकत्रित करके जो देश में उन्होंने मिसाल कायम की, और फर्स्ट जो उनका आंदोलन था, मतलब उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत कहां से की? मानवर कंसराम साहब ने दीना भाना की के द्वारा विरोध करने पर, प्रशासन का विरोध करने पर सस्पेंड किया गया। उसको लेकर के मानवर कांसीराम साहब मंत्री के पास गए, मंत्री ने बहाली का आश्वासन दिया, न्याय देने का आश्वासन दिया, और इसके बाद दीना भाना को न्याय मिला भी, दीना भाना बहाल हुए। और इधर उनसे प्रेरणा लेकर मानवर कांसीराम साहब एक प्रकार की प्रेरणा, एक फोर्थ क्लास का कर्मचारी, उसने जो संघर्ष किया, मानवर साहब ने सोचा कि फोर्थ क्लास का कर्मचारी डॉक्टर अंबेडकर के विषय में जानता है, तो उनके साथी खापरडे ने, डीके खापरडे नाम था, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट मानवर कांसीराम साहब को पुस्तक दी, उससे प्रेरणा लेकर वो बेचैन होने लगे। क्या हम इसी तरह आजाद भारत में अपने महापुरुषों को अपमानित करवाते रहेंगे और खुद भी अपमानित होते रहेंगे? आखिर इस अंधेरे से उजाले तक जाने का रास्ता क्या है? और न जाने कितने लोग इसी तरह परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। बस बहुत हो गया, अब हम चुप नहीं रहेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब ने सब कुछ इस दीना भाना के लिए किया था, जो इनकी जयंती पर अवकाश के लिए सिर्फ इन्हीं ने प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप इनको बर्खास्त कर दिया गया। अरे आज हम लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो बाबा साहब की ही देन है, यहां तक कि हमारे घरों में जो पानी पिया जा रहा है वो भी बाबा साहब की ही देन है। इस नाते हमारा एक फर्ज बनता है कि जिन बाबा साहब के लिए दीना भाना ने प्रयास किया है, हमें हर हालत में दीना भाना को बहाल करवाना है, और इसके लिए कल हम मंत्री जी के बंगले पर मिल रहे हैं।
मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने पूरे समाज को इकट्ठा करें और वहाँ पर आए। वो ज्ञापन दीना भाना के बहाली के लिए होगा। धन्यवाद। भाइयों, आज हम जिस मुद्दे के लिए यहाँ पर जुटे हैं वो कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। दीना भाना को जिस तरह से बाहर किया गया है ये एक अपराध है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। दीना भाना को बाहर किया जाना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमारे बुद्ध जयंती पर, बाबा साहब की जयंती पर अवकाश मांगा। अगर आज ये अत्याचार जो दीना भाना पर हो रहा है हमने अपनी आंखों से देखा तो एक दिन अपने ऊपर भी अत्याचार हमें देखना पड़ेगा। इसी तरह आप कुचले जाओगे, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, आपको स्वयं अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको एक नेतृत्व चाहिए तो मैं खड़ा हूँ आपके साथ। हम मंत्री जी के पास जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे और उनसे बोलेंगे कि हमें अपने सभी महापुरुषों की जयंती पर अवकाश चाहिए और साथ ही साथ दीना भाना की बहाली। छुट्टी दो भाई, छुट्टी दो, महापुरुषों की जयंती पे छुट्टी दो। देखो भाई ये लोग कौन है? नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार मंत्री जी, हम लोगों की समस्याएं सुन लीजिए। कैसी समस्याएं हैं आप लोगों की? मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे महापुरुषों की जयंती पर हमें अवकाश चाहिए। हमारे दीना भाना ने इस अवकाश को मांगा तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मंत्री जी अन्याय है, हमें अवकाश चाहिए और इसके साथ साथ दीना भाना की बहाली चाहिए। मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन दोनों को दीजिए, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। आप चिंता मत करिए, इस केस की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और आपको इंसाफ मिलेगा और जो दोषी अधिकारी होंगे जिन्होंने आपके साथ ये घिनौना कृत किया है उनको अवश्य सजा दी जाएगी। आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की जयंती पर बिल्कुल छुट्टी दी जाएगी। और रही बात आपकी नौकरी की, जो भी मुझसे उचित बन सकेगा मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको बहाली मिल जाए। अब आप निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हैं, मैं आपका काम कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 85% बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये काशीराम पागल हो गया है, आंदोलन करके इसने दीना भाना को बहाल करा लिया है और अब अंबेडकर जयंती और बुद्ध जयंती का अवकाश भी करा लिया है। काशीराम आता ही होगा, बुलाया उसे, समझाएंगे। वो आ गया साहब। ये आपने मुझे बुलाया? काशीराम तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। दीना भाना चतुर श्रेणी कर्मचारी है, एक अधिकारी और कर्मचारी का क्या मेल? मेरा और उसका सबसे बड़ा मेल ये है कि वो चूड़ा भंगी है और मैं चमार, और हम दोनों की तो राजिया भी एक है। और जिसने मेरे भाई की तरफ बुरी निगाह डाली मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। चलता हूँ। आदरणीय माताजी एवं पिताजी, मैंने अपने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है
और शादी ना करने का फैसला किया है और मेरे कुछ अहम प्रतिज्ञाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों कर्मचारियों का जब तक शक्तिशाली संगठन नहीं बनता तब तक इन वर्गों की कोई सुनवाई नहीं हो सकती और मैं आज इन वर्गों को जोड़ने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। आज के बाद मैं कभी घर नहीं आऊंगा। मेरा अपना कोई घर नहीं है। देश भर में 85% गरीब दलित पिछड़ों का ही मेरा घर है। आज से मैं सभी रिश्ते नातों से मुक्त होता हूं। अपने किसी भी रिश्तेदारों से कोई भी रिश्तेदारी नहीं निभाऊंगा क्योंकि अब तमाम दलित वर्ग ही मेरा रिश्तेदार है। मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा क्योंकि शादी के जंजाल में फंसने से अपने लिए समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आज के बाद कोई भी सामाजिक समारोह जन्मोत्सव विवाह उत्सव तथा मृत्यु वगैरह में शामिल नहीं होऊंगा। मैं आज के बाद कोई भी पारिवारिक दायित्व नहीं निभाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर अब पूरे समाज का दायित्व आन पड़ा है। जब तक बाबा साहब का देखा हुआ सपना साकार नहीं होता तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। सभी पिछड़े समाजों को जोड़कर बहुजन समाज बनाना है, यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। मैं अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित करता हूं। आपका पुत्र कांसीराम। भाइयों, हमारे बाबा साहब जी ने जिस मुहिम को इतने सालों तक चलाया और जिस मुहिम को आगे चलाने के लिए छोड़ गए हैं, हमारे बाबा साहब ने हम सभी के लिए, हम पूरी दलित समाज के लिए सालों तक संघर्ष किया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कैसे ये मुट्ठी भर समाज हम पूरे बहुजन समाज को अपने मुट्ठी में लिए हुए है। सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करके हम सबको अपने पीछे लगाए हुए हैं और हम लोग भी शोषित होते जा रहे हैं। हमारा इस देश में 85% है और ये सिर्फ 15%। मैं आप सभी लोगों को इस कलम के द्वारा बताना चाहता हूं कि ये ढक्कन वो 15% लोग हैं और बाकी 85% हमारा बहुजन समाज। अगर इस ढक्कन को इस कलम से निकाल भी लिया तो इस कलम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह वैसा ही काम करेगी जैसा करती आई है। लेकिन यह 15% बेकार है, इसे हम फेंक भी सकते हैं पर हम इसे फेंकेंगे नहीं। हम ये नहीं करते जो ये करते आए।
हम इसको अपने साथ ही जोड़कर रखेंगे, इसके पीछे लगाकर, क्योंकि हमें यह बताना है कि हमारी शांति का मतलब यह नहीं कि हमें हमेशा दबाया जा सकता है। जिस दिन यह बहुजन समाज खड़ा हो गया, इन 15% लोगों को हम इस देश से बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन हमने हमेशा भाईचारा चाहा है और हमेशा उसी पे अडिग रहेंगे, लेकिन कभी ये इन लोगों को मौका नहीं देंगे कि ये हमारा हक भी छीन ले। हमें अपना हक अब खुद उनसे छीनना पड़ेगा। भाइयों, आप इस कांसीराम का सहयोग करो। मैं आपसे वादा करता हूं कि वही हक वापस दिलाऊंगा जिसके लिए हमारे बाबा साहब जीवन भर संघर्ष करते रहे। सर, मानवर कांसीराम साहब की जिंदगी में साइकिल का क्या महत्व था, इस विषय में आप मुझे समझाइए। देखिए, मानवर कांसीराम साहब की साइकिल दो पहिए और दो पैर कहा करते थे मानवर कांसीराम साहब, दो पहिए और दो पैरों के जरिए मुझे संघर्ष करना है, और इसलिए वो एक लोहे के वाहन न कहें उसको, उसको कांसीराम साहब का एक रथ था, उसपे सवार होकर के वो लोगों से संघर्ष कर रहे थे जिन लोगों ने सदियों से अत्याचार दलित शोषित पीड़ितों पर किए थे। और भाई, क्या हाल है? हाँ जी साहब, ठीक है। भाई, हम दोनों के लिए दो स्पेशल चाय भेजना। आप उधर बैठिए साहब, भेजता हूँ। आओ मनोहर, बैठो। ये लो साहब चाय।
बढ़िया चाय थी। लाओ चलो भाई, चाय बहुत अच्छी थी। क्यों अटे? हाँ जी अच्छी थी ना, बहुत बढ़िया चाय थी। कितना हुआ? 50 पैसे हुए साहब। बस ये लो। साइकिल कहाँ है? अभी तो मेरे पास है, साइकिल तो अभी यही थी। अरे यहाँ थी तो गई कहाँ? अरे मुझे क्या बताओ, मैंने तो यही खड़ी की। अभी इधर आओ, यहाँ साइकिल थी। कैसी साइकिल? मुझे पता नहीं साइकिल बारे में सर। तुझे साइकिल के बारे में नहीं मालूम सर? अभी थाने ले जाकर दो घंटे पड़ेंगे, तुझे पता पड़ेगा। साइकिल मालूम तुझे कहाँ है? साइकिल कहाँ है? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, मुझे माफ। जल्दी जाओ और लेके आओ साइकिल। क्या सबके सब जुड़े हैं यहाँ पे, अगर साइकिल नहीं मिली ना तुम सब थाने जाओगे। साहब माफ कर दो साहब, साहब पुलिस में मैं ले रहा हूँ। शर्म नहीं जाए साइकिल चुराते हुए? माफ कर दो साहब, साहब माफ कर दो, तुम्हारा गलती नहीं होगी साहब, साहब माफ कर दो साहब। चल भाग यहाँ से मनोहर। साइकिल मेरे लिए साइकिल लोहे का बहाना नहीं है, मेरे लिए यह मेरी मूवमेंट को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसी साइकिल पर सवार होकर मैं बहुजन समाज की मूवमेंट को बनाने के लिए घूमता हूँ। अगर ये साइकिल मेरे पास नहीं होगी तो मूवमेंट आगे बढ़ाने में परेशानी होगी, इसलिए मैं परेशान हो गया था। खैर छोड़ इन बातों को मनोहर, कल सुबह मैं जल्दी मिलना है, समझ गए? मीटिंग में जाना है, ठीक है? सर मेरी माँ बहुत बीमार है, कल सुबह मैं आ नहीं पाऊंगा। बीमार है? हाँ साहब, उनको दमे की बीमारी है। तो तुमने मुझे बताया नहीं? आपको बता नहीं मनोहर, तुमने मुझे बताया नहीं। कोई बात नहीं, तुम जाओ, जल्द से जल्द घर पहुंचो और अपनी माँ का ख्याल रखो। जी साहब। टेंशन मत लो, जाओ। पर साहब मनोहर बोला ना एक बार, जाओ। चलो निकल गई। इसकी भी हवा निकली। मनोहर आटे, मनोहर आटे। हाँ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? पैसे नहीं, मेरे पास तो नहीं है। क्यों? अरे मेरी साइकिल पंचर हो गई है, उसे ठीक कराना है, 5 पैसे तो लगेंगे ही ना। लेकिन मेरे पास तो 5 पैसा नहीं है। देख यार इधर उधर पड़े होंगे। देखता हूँ। नहीं यार मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं। एक काम करो मेरी साइकिल ले जाओ। तुम्हारे साइकिल में भी हवा नहीं है, ट्रेन का टाइम भी हो गया है, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। कांचीराम तुम्हारे घर से पत्र आया है। प्रिय पुत्र कांचीराम, बेटा तुम्हारी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं और हम शादी के बोझ से हटना चाहते हैं। आज नहीं तो कल शादी करनी ही है। पास के गांव से एमएलए गुणवंत सिंह जी के घर से उनकी बेटी का रिश्ता आया है और तुम्हारे पिताजी भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो और घर में बहू आए, और हम भी यही चाहते हैं कि तुम घर जल्दी आ जाओ। तुम्हारी माता बिशन कौर। कांचीराम क्या हुआ? कुछ नहीं, घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं।
आ जाएंगे। टाइम क्या हुआ है अभी, इंतजार कीजिए, थोड़ा समय लगता है। लो आ गए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। नमस्कार। नमस्कार जी, आइए बैठिए। आप उत्तर आगे आ जा, बैठिए। आप भी बैठिए। हाँ तो काशीराम जी। जी। कहाँ सर्विस चल रही है आपकी? विज्ञान भवन पुणे महाराष्ट्र। अच्छे तारीफ है। नेता जी बड़ी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा है काशीराम। और मेरा भी नाम रोशन किया है। अच्छा, बड़ा मेहनती बच्चा लगता है। बहुत अच्छे, देख क्या बात है। अरे बचपन से मेरे कशिया को पढ़ने की बहुत लगन है। अच्छा सुनो जी, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, जाओ जाओ। हाँ जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नेता जी, आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। आओ रखो। नमस्ते जी। बैठो बैठो बैठो। नमस्ते नमस्ते। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मंजीत कौर। लड़की तो अच्छी है। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, आइए मैं आपको अपना मकान दिखाता हूँ। आइए 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 आइए। हाँ जी चलिए चलिए। आप पुणे में नौकरी करते हैं? जी। और आप? मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। ओ, और आपकी दीदी? मैं आपको क्यों बताऊँ, दीदी आपको बताएंगी। दीदी बताओ ना। जी मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। आपको खाना बनाने आता है? जी। आप नौकरी के अलावा और क्या करते हैं? जी मैं टूटे हुए समाज को जोड़ने का काम। आपको खाने में क्या पसंद है? आप कुछ सोच रही हैं? हाँ जी कुछ नहीं। मैंने अपना पूरा जीवन इस समाज को दे दिया है और मैं हर पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपना जीवन इस समाज को देंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमारी सगाई आप जैसे समाज के अच्छे काम करने वाले व्यक्ति से हुई है। आइए आइए बैठिए। लड़का कैसा लगा? बढ़िया है। लड़की पसंद है? जी। तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो पसंद। और तुम्हारी दीदी को? उनको भी। जी जी। हाय क्या बात है। हाँ जी तो ये रिश्ता पक्का समझा जाए? हाँ हाँ हमारी तरफ से हाँ। तो फिर अगले महीने इसका मुहूर्त निकलवा लेते हैं? हाँ हाँ जी बिल्कुल। जय भीम साहब। जय भीम, कैसे हैं आप लोग? सर्दी ज्यादा पड़ रही है, आप बाबूजी कोट खरीद लीजिए अपने लिए। हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, सर्दी बढ़ गई है, कोट लेना पड़ेगा। जय भीम। जय भीम। जय भीम। भाई साहब एक अच्छा सा कोट दिखाएंगे आप? जी साहब ये देखिए, एकदम फर्स्ट क्लास कोट, एकदम बढ़िया कोट, आप पर बिल्कुल जचेगा, देखिए। गुड, बहुत अच्छा है, कोट तो बहुत अच्छा है। भाई साहब कितने का होगा? मात्र 45 रुपए का पड़ेगा साहब। 45 रुपया? भाई साहब इससे थोड़ा सस्ता होगा? जी साहब इससे सस्ता ही मिलेगा। जी दिखाइए। ये देखिए, ये आपको इससे सस्ता पड़ेगा, एकदम बढ़िया, और इससे सस्ता। अच्छा कोट है। भाई साहब ये कितने का होगा? साहब ये आपको पड़ेगा 30 रुपए का मात्र। 30 रुपया? भाई साहब थोड़ा और सस्ता दिखाओ ना।
मिलेगा साहब। ये आखिरी कोट है साहब। ये भी अच्छा है भाई साहब। ये कितने का होगा साहब? ये आपको पड़ेगा मात्र 25 रुपए का। 25 रुपए भाई साहब, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, थोड़ा और सस्ता मिल जाता तो। साहब ये साहब हमारी दुकान का सबसे सस्ता कोट है, अब इससे सस्ता कोट तो हमारे पास नहीं है। इससे सस्ता कोट अगर आपको चाहिए तो पीछे मरघट खाना बनाए, आप वहां जाइए और वहां से खरीद लिए कोई सस्ता कोट। अरे वाह भाई साहब, आपने तो एकदम पते की बात कही, वहां तो वाकई में सस्ता मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीब आदमी है यार। तो उन्होंने कहा कि भाई इससे सस्ता 30-40 रुपए से सस्ता अगर लेना है तो ये तो शमशान घाट पर ही मिलेगा। इसलिए तो उन्होंने फिर बड़े सहज भाव से शमशान घाट की तरफ चल दिए। और शमशान घाट पर ये कितने त्याग की बात है कि शमशान घाट पर 5 रुपए का उन्होंने कोट खरीद कर पहना। ये बात नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे, वो इस पैसे का सदुपयोग समाज हित में चाहते थे, इसलिए वो 5 रुपए का कोट खरीद करके सर्दी से बचना चाहते थे। दलित लाचार समाज के लिए कांशीराम साहब का सबसे बड़ा त्याग शादी न करने का फैसला किया। इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? आप अभी तक सोई नहीं? पता नहीं जसप्रीत, उन्होंने शादी के लिए मना क्यों कर दी, और ना जाने वो क्या कर रहे होंगे इस समय। कोई नहीं, सो जाओ आप, सो जाओ दीदी। हे रब्बा, उनका ख्याल रखना और वो अपने मिशन में कामयाब हो। जय भीम भाइयों। अरे माँ। अरे कशिया, तू हमें बिल्कुल ही भूल गया, तुम्हें हमारी याद नहीं आती? तुम्हारे बापू की क्या दशा हो गई है? तुम्हारी बहन तुम्हें याद करके कितना रोती है, तुम्हारे भाई भी तुम्हें कितना याद करते हैं। तू इतना पतंदल कैसे हो गया? माँ मैं किसी को नहीं बोला, तेरा जब भी मुझसे मिलने का दिल चाहे तू रैलियों में आ सकती है, और भाई बहनों को भी लेके आ, वो भी तो जाने आखिर उनका भाई किस मुहिम पे है, अपने समाज के लिए क्या कर रहा है। मैं तो चाहूंगा वो लोग हमारा साथ दे मां, पर मां मेरी मां, मैं बिल्कुल भी पत्थर दिल नहीं हुआ, मुझे आप सबकी याद आती है। अब यही समाज मेरा घर है, तेरे बेटे ने इनके लिए अपने आप को निछावर कर दिया है।
अपने बेटे को समझ माँ। इस कुर्बानी के लिए तू उसे कमजोर ना बना मेरी माँ। रब तेने सलामत रखे आशीर्वाद दे माँ। हम आगे भी संघर्ष को जारी रखेंगे और मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हम कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। मुश्किलें आएंगी, हमें कमजोर करेंगे लोग, हम नहीं होंगे, अपना वादा निभाएंगे। कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। प्यारे हरिजन साथियों, जातिगत पक्षपात सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी, माननीय दुबे जी और माननीय समाजसेवी बहन जी और हमारे प्रिय हरिजन साथियों, आप सब यहां पर आए इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। अब मैं इस सभा के संबोधन के लिए माननीय मंत्री जी को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए मंत्री जी। नमस्कार। आज राजधानी में मैंने इस सभा का आयोजन जातिगत पक्षपात के खिलाफ रखा है। मुझे गरीबों का दर्द देखा नहीं जाता। मेरे दलित हरिजन साथियों, मैं जाति व्यवस्था खत्म करना चाहता हूं। हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। मैं हरिजनों के लिए कुछ करना चाहता हूं। हरिजनों के लिए कुछ करना ही मेरा धर्म है और मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक हरिजनों का हक और अधिकार नहीं दिला दूं। मैं जिंदगी भर आपके साथ हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भाइयों, अगली कड़ी में मैं माननीय समाज सेवी बहन जी को माइक पर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार साथियों। मेरे जहन में कुछ सवाल हैं, अंदर ही अंदर
चलता है, हर मंजर क्यों है यूं बिखरा हुआ, मेरा देश क्यों ना अब बदलता है। जहन में कुछ सवाल है, अंदर ही अंदर चलता है, हर मंजर क्यों है बिखरा हुआ, मेरा देश क्यों ना बदलता है। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए इस भ्रष्ट तंत्र से, ये साथ चाहिए भारत के सहसारे, हमें जवाब चाहिए। साहब, आज जातिगत पक्षपात के खिलाफ एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में राजनारायण जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज एससी समाज को हरजन शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि हरजन समाज के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। इतने में एक लड़की जो टीचर है, उसका नाम हाँ मायावती है साहब, और सब लोगों के सामने कहा कि मंत्री जी अगर हम लोग हरिजन हैं तो तुम लोग शैतान की औलाद हो। ऐसे लीडर सिपाहियों की हमें भी जरूरत है, मैं मायावती से मिलना चाहूंगा। माया देखो तो इतनी देर रात कौन आया है। साहब आप, नमस्ते। जय भीम। आइए। पिताजी साहब आए। अरे साहब आप, जय भीम। जय भीम। बैठिए। बैठो माया। माया लगता है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि है, आगे क्या बनना चाहती हो? मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। और कलेक्टर बनकर आगे क्या करना चाहती हो? कलेक्टर बनकर मैं दलित समुदाय की सेवा करना चाहती हूँ। माया मुझे नहीं लगता कि तुम कलेक्टर बनकर दलित समुदाय की उतनी सेवा कर सकती हो जितना कि तुम सोच रही हो। साहब आपको ऐसा क्यों लगता है? माया आज हमारे देश के अधिकांश कलेक्टर और ऑफिसर सिर्फ राजनेताओं की ही सेवा कर रहे हैं। आज हमारे देश में बहुत से कलेक्टर व अधिकारी पैदा होते हैं, पर एक भी ढंग का राजनेता पैदा नहीं हो रहा है। तुम्हारे अंदर दलितों के लिए एक आग है, उनकी सेवा करने का एक जुनून है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस देश का इतना बड़ा नेता बना सकता हूँ कि इन कलेक्टरों अफसरों की लाइनें तुम्हारे आदेश का पालन करने के लिए बैठी होगी माया, और इस तरह से तुम दलित समाज की सेवा भी कर सकती हो। साहब मैं पानी लाती हूँ। ठहरो माया, वक्त काफी हो रहा है और रात भी काफी हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। जय भीम। माया मुझे नहीं लगता कि तुम कलेक्टर बनकर दलित समुदाय की उतनी सेवा कर सकती हो जितना कि तुम सोच रही हो। माया आज हमारे देश के अधिकांश कलेक्टर और ऑफिसर सिर्फ राजनेताओं की ही सेवा कर रहे हैं। आज हमारे देश में बहुत से कलेक्टर व अधिकारी पैदा होते हैं, पर एक भी ढंग का राजनेता पैदा नहीं हो रहा है। तुम्हारे अंदर दलितों के लिए एक आग है, उनकी सेवा करने का एक जुनून है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस देश का इतना बड़ा नेता बना सकता हूँ कि इन कलेक्टरों अफसरों की लाइनें तुम्हारे आदेश का पालन करने के लिए बैठी होगी माया, और इस तरह से तुम दलित समाज की सेवा भी कर सकती हो। और इस तरह से तुम दलित समाज की सेवा भी कर सकती हो। और इस तरह से तुम दलित समाज की सेवा भी कर सकती हो।
माया, क्या सोचा तुमने कांशीराम साहब की बातों पर? पिताजी, साहब की एक बात तो बिल्कुल सही थी। जिस समाज में राजनीतिक दल और नेताओं को निशाने साधने की आदत हो, वहाँ एक सरकारी अफसर का योगदान तो सीमित होकर रह जाता है। पिताजी, मैं जा रही हूँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। जय भीम! जय भीम! जय भीम! आज देश भर में अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 70 लाख शिक्षित कर्मचारी अगर एक झंडे के नीचे आ जाएं, तो हम एक देशव्यापी गैर राजनीतिक संगठन बना सकते हैं, जिसके माध्यम से हम बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं। बाबा साहब के ऋणी इन कर्मचारियों के पास समय, हुनर और पैसा तो है, लेकिन अगर उनको एहसास करा दिया जाए तो एक गैर राजनीतिक होते हुए भी इस समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो समाज का इनके ऊपर ऋण है, ये चुका सकते हैं और इनकी आने वाली पीढ़ी एक शासन करने वाली जमात में शामिल हो सकती है। तो मैं पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, कि आगे आने वाली कुछ वर्षों में इस सत्ता की मास्टर चाबी हमारे हाथों में होगी। भाइयों, हमारा अंतिम लक्ष्य इस देश में शासन करना नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य दलितों, पिछड़ों और शोषितों को इस समाज में अधिकार दिलाना है, ताकि वो समानता का अधिकार पा सके। बाबा साहब ने कहा था कि छुआछूत समाप्त करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इन सभी समाज को समानता का अधिकार बिना राजनीतिक सत्ता के नहीं दिलाया जा सकता। और इस देश में वही समाज उन्नति करते हैं जो राजनीतिक सत्ता से संपन्न होते हैं। अपने इस महान उद्देश्य को पाने के लिए आप इस पागलपन की सभी हदों को पार कर जाइए। हाँ, लोग आपको पागल कहेंगे, पर आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। मेरे बहुजन समाज के साथियों, आज के दौर में आप जो कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। आज के इस दौर में आपको आपके कार्य के लिए शाबाशी देने वाला कोई नहीं मिलेगा, बल्कि आपको बुरा भला कहेंगे, आपकी निंदा करेंगे। लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं आपसे कि जब भी आपको लगे कि आपने कोई अच्छा कार्य किया है और आपको कोई शाबाशी देने वाला ना मिले, तो आप खुद अपनी पीठ थपथपाइए। भाइयों, अगर आपको किसी भी काम को लेकर भ्रमित किया जाता है या डराया जाता है, तब आप बिल्कुल भी चिंतित मत होना। आप अपने पूरे विवेक से उसी कार्य को करिए, आप देखेंगे आपको सफलता मिलेगी और आपका डर भी निकल जाएगा। आज मुझे अपने सभी साथियों का जोश देखकर लग रहा है कि हम बहुत जल्द ही बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे, जो उन्होंने बहुत साल पहले देखा था, जहां पर कार्यकर्ता मिशनरी होते हैं, दुख उठाने में सक्षम होते हैं, वहां पर कार्य तेजी से होता है। कांशीराम जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांशीराम जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांशीराम जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन आना चाहता है? आने दिया जाए।
क्या कर रहे हो? कौन हो भाई? अरे क्या समस्या है, बोलिए। साहब मैं यही पास में रहता हूँ और यहाँ रिक्शा चलाकर अपना गुजारा कर रहा हूँ। साहब मेरे साथ कुछ और साथ वाले हैं। साहब हम सब बहुजन समाज की सरकार चाहते हैं साहब, तभी हमारा भला हो सकता है। नहीं तो हम ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रेंग के मर जाएंगे। हमने कड़ी मेहनत से सभी साथी ये धन एकत्रित करके लाए हैं। साहब जी इन्हें स्वीकार करो। सही बोल रहे हैं साहब, बातों पे ध्यान दीजिए साहब, एक ऐसी सरकार बनना जरूरी है। तभी हमारा उद्धार होगा। साहब अब आपको ही आगे आना पड़ेगा, हम सब आपके साथ हैं। जब तक बहुजन समाज की सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा साहब। हम सब बहुत परेशान हैं। इस गरीब की चाहत, इसके अंदर का जुनून, त्याग महसूस किया आपने? हमारा वर्ग किस हद तक शोषित हुआ है? ये वो आग है जो आज ज्वालामुखी बनके धधक रही है, सदियों से दबी। एक गरीब आदमी अपनी दिन भर की रोजी अपने घर नहीं ले जा रहा है। इसको मालूम है किसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, इसके बच्चे आज भूखे सोएंगे। अपने समाज को देख रहा है, अपने समाज के लाखों बच्चों को देख रहा है कितने और भूखे सोते हैं। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान तो भगवान भी नहीं छोड़ सकता। चाचा आप देख रहे हो ना, ये क्रांति आई है, युग बदल रहा है। हमें खड़ा होना आ गया है, हमें लड़ना आ गया है। मुझे तुम पे गर्व है। ग्रेट लीडर कंगाल किया उसी ने माला मार। ढोंगी सरकारों को वो सबक सिखाता है, राजनीति की दुनिया में तूफान लाता है। अरे ऐसा लीडर है जो सोती कौम जगाता है, अरे एक नोट और एक वोट का पाठ पढ़ाता है। जो जख्मों पे मरहम लगाए अधिकार सबको दिलवाए, जो जख्मों पे मरहम लगाए अधिकार सबको दिलवाए। सदियों से जो हमारे ऊपर अत्याचार होते हुए आए हैं, किसी ने हमारी सुनी नहीं। बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो धरा का धरा रह गया। उस सपने को पूरा करने के लिए आज ये महापुरुष हमारे साथ हैं। मैं जानती हूँ आप सभी के साथ अत्याचार हुआ होगा, आपके साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप सब लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे
तो एक दिन पूरे देश में हमारी सरकार बनेगी। स्वाभिमान का पत्ता वो कभी नहीं झुकता, होने लगती महासभाएं कदम यहाँ पे रुकता। मुसीबत आई पर ईमान नहीं डोला है, बहुजनों के हक की खातिर खुल के जो बोला है। छोड़ नौकरी वैज्ञानिक की राजनीति में आया, भीम कारवा भीम का जिसने आगे खूब बढ़ाया। दो पहिया दो पैर का नाना गांव गांव में गाया, मजलूमों ने समझा जिसको अम्बेडकर का साया। लड़ी लड़ाई निर्धनों की जिसने पूरे मन से, करी रैलियां घूम घूम के छोटे संसाधन से। वो है ग्रेट लीडर कांशी राम, 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 वो है ग्रेट लीडर कांशी राम। माया तुम अपना भविष्य खराब कर रही हो, छोड़ दो काशीराम जी के साथ और अपनी नौकरी और पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे पिताजी, मैं पढ़ाई भी करूंगी और नौकरी भी, और कांशीराम साहब के साथ समाज के हित के लिए काम भी करूंगी, इसमें दिक्कत क्या है? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, कांशीराम जी का साथ नहीं छोड़ा, आईएएस की तैयारी नहीं की, तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तुम्हारे अंदर दलितों के लिए एक आग है, उनकी सेवा करने का एक जुनून है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस देश का इतना बड़ा नेता बना सकता हूँ कि इन कलेक्टरों अफसरों की लाइनें तुम्हारे आदेश का पालन करने के लिए बैठी होगी। तुम्हारे अंदर दलितों के लिए एक आग है, उनकी सेवा करने का एक जुनून है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस देश का इतना बड़ा नेता बना सकता हूँ कि इन कलेक्टरों अफसरों की लाइनें तुम्हारे आदेश का पालन करने के लिए बैठी होगी। पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं दलित समुदाय के लिए काम करना चाहती हूँ। जय भीम साहब। जय भीम मेरे मिशन के साथियों, बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ माया, इतना दुखी क्यों हो? साहब मैंने घर छोड़ दिया है। घर छोड़ दिया, लेकिन क्यों? साहब पिताजी कहते हैं या तो सब छोड़कर आईएएस की तैयारी करो या घर छोड़ दो, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है मैं अपने समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित करती हूँ। माया मुझे तुम पर गर्व है और हम दोनों मिलकर
अपने समाज की तरक्की के लिए कुछ भी करेंगे और अंबेडकर जी का सपना पूरा करेंगे। सदियों से दलित समाज के उत्थान के लिए संघर्षरत कांशीराम साहब को बहन मायावती के रूप में एक नया अवतार मिला, जिसके माध्यम से कांशीराम साहब और बहन मायावती ने दलित समाज और बहुजन समाज की एकता को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न शुरू किया। बहन मायावती बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी और पढ़ी लिखी भी थी। इस तरह से बहन मायावती ने दलित समाज की महिलाओं को शिक्षित कर एक सूत्र में परोने का काम शुरू कर दिया। बहन कुमारी मायावती मान्यवर कांशीराम साहब की एक अविश्वसनीय ताकत बन के उभरी। शहर आगरा में आज से बहुत साल पहले 18 मार्च 1956 में बाबा साहब ने कहा था कि मेरे चारों तरफ ऐसे लोगों की भीड़ जमा है जो सिर्फ अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं। मैं ये सोचकर बहुत चिंतित हूं कि जिन लोगों ने हमारे समाज में हमारे बीच जन्म लिया, आज वो हमारे समाज के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ अपनी परेशानियों को दूर करने में लगे हुए हैं कि वो खुद अपनी समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो वो कैसे अपने समाज के दूसरे भाइयों की समस्या सुलझाएंगे। भाइयों, बाबा साहब ने कहा था कि मैं पिछले 30 सालों से अपने समाज के लोगों के लिए राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं और मैंने आज वो राजनीतिक अधिकार प्राप्त भी कर लिए हैं जो आपका, हमारा, हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने संसद और विधायिका में आप सब लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया है और साथ ही साथ आप लोगों के बच्चों के लिए शैक्षणिक अधिकार भी दिलवाए। अब आप लोग तरक्की की राह में आगे जा सकते हैं। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस देश में फैला हुआ और इन सभी समाज को, भाइयों, अभी आपका फर्ज बनता है कि इस देश से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक असमानता को दूर करने के लिए आप सबको प्रयास करना चाहिए। भाइयों, ये DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति और कुछ नहीं, बस बाबा साहब के पद चिन्हों पर आगे बढ़ने का मार्ग है। भाइयों, मैं बस यही चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमारे समाज के उत्थान के लिए जो सपना देखा है, बस मैं उसे पूरा कर सकूं। अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा। जय भीम भाइयों, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमस्ते कांशीराम जी, किस किस समाज के लोग आपसे नहीं जुड़े हैं? सर, क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनिया छोड़ के हर कोई DS4 है। कांशीराम जी, एक आखिरी सवाल और। मंदिर और मस्जिद को लेकर इस समय काफी दंगे हो रहे हैं, इस विषय में आपकी क्या राय है? पत्रकार महोदय जी, मंदिर और मस्जिद हमारा कभी मुद्दा न था न कभी होगा। हमारा मुद्दा तो सिर्फ रोजी और रोटी है और इस बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मंदिर मस्जिद आपका सवाल और रोटी कपड़ा मेरा सवाल। जय भीम। जैसा लगा चमकने भारत माँ का लाल, ऊंच नीच और जात पात का जिसने तोड़ा जाल। बचपन का साहस देखो, नहीं रहा किसी बंधन में, करना है कुछ देश की खातिर ठान लिया था मन में। तोड़ दिए सब रिश्ते नाते, छोड़ी अपनी मिट्टी, जीवन भर ना घर आऊंगा, लिख दी माँ को चिट्ठी। वो है ग्रेट लीडर, वो है ग्रेट लीडर।
राजनीति में किया कमाल, चलता है शेरों की चाल, जो सदियों से थे कंगाल, किया उसी ने मालामाल। दूंगी सरकारों को वो सबक सिखाता है, राजनीति की दुनिया में तूफान लाता है। अरे ऐसा लीडर है जो सोती कौम जगाता है, अरे एक नोट और एक वोट का पाठ पढ़ाता है। जो जख्मों पे मरहम लगाए अधिकार सबको दिलवाए, जो जख्मों पे मरहम लगाए अधिकार सबको दिलवाए। सच बोला हो कर निकल, वो कहलाया वो कहलाया द ग्रेट लीडर, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट लीडर। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष ही जिसका नारा है, बहुजन नायक बहुजनों को जान से भी प्यारा है। अपनी धुन का मन मोजी और सिंगों सीधा हाड़ है, चट्टान उठाती है उसके और सीधा भी औलाद है। स्वाभिमान का पक्का वो कभी नहीं झुकता, होने लगती वहां समाए कदम यहां पे रुकता। आई पर ईमान नहीं डोला है, बहुजनों के हक की खातिर खुद के जो बोला है। आ गया वो आ गया ग्रेट लीडर। बाबा साहब ने हम सब लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हम सब लोगों के लिए कुर्बान कर दी। उसी को पूरा करने के लिए माननीय कांशीराम साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम लोगों को साथ देना चाहिए। जब हम लोग उनके साथ होंगे तभी वो सपना पूरा होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम औरतों को भी उनका साथ देना चाहिए, हमें भी एमएलए बनना है, हमें भी पार्षद बनना है और बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर सबका सामना करना है। हमारी जिंदगी ऐसे ही कीड़े मकौड़ों की तरह घुट घुट कर निकल जाएगी। क्या भीमा, सुना है कोई रैली निकल रही है इधर? आ रही है, काशीराम की रैली आ रही। कौन है काशीराम? अरे लीडर, दलितों का लीडर। यहाँ से निकलेगी और नहीं तो क्या। एक काम कर, निकलने दे, आइन की रैली बताता हूँ। कल तक हमारे टुकड़ों पर पले थे, आज नेता बनने चले। यही है क्या? हाँ यही है, 10-12 लोग। अच्छा, सामने वाला लीडर है? वही है। हमने क्या किया? ए, क्या देख रहा है बे? चल आगे बढ़। बड़ी नेता नगरी चढ़ी है, रुक अभी निकालता हूँ। अरे कौन है? अरे भाई क्यों मारा उसे? आप कौन हो भाई साहब, पहले ये तो बता दो। मेरा नाम कांशीराम है। अच्छा, तो आप लीडर हो इन सबके? देखिए मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, आप अच्छा? हमें हमारा काम करने दीजिए, हमारे पास आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी भाई समय नहीं है। तू जा यार, हमने पट लेंगे, आप जाओ। तेरी तो मेरे इलाके में गुंडागिरी कर रहा है, मालूम है तेरे को? पकड़ नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा तेरे को। दंगे करोगे? चलो सारे। एक मिनट रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप किस गुनाह पे अरेस्ट कर रहे हैं हमारे साथियों को? ये गुंडागर्दी कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, गुंडागर्दी ये लोग नहीं कर रहे थे, गुंडागर्दी ये छिछोरे लोग कर रहे थे। साहब मैं नहीं हूँ साहब, साहब साहब ये लोग बाहर से, साहब इन्होंने मुझे मारा है। साहब तुम नेतागिरी कर रहे हो, चलो सामने। मैं नेतागिरी नहीं दिखा रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप सच्चाई को देखिए उसके बाद कोई कदम उठाइए। तुम सरकार बनाओगे? चलो। हम थाने आके जमानत नहीं कराएंगे, हम यही बैठकर धरना देंगे और अपने साथियों को छुड़ा के ले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे धरना दोगे, इन सबको इकट्ठा करके कहाँ लेके जा रहे हो? सरकार बनाओगे? पकड़ो इनको, ले चलो सबको थाने। लगता है इंस्पेक्टर साहब आप कांशीराम की जिद से वाकिफ नहीं है। बहुजन समाज के साथियों,
जब तक ये हमारे समाज के साथी को नहीं छोड़ते हम यहीं बैठ के धरना देंगे। देश की जान जरूरी है, कांतिराम जरूरी है। सर छोड़ दो, खाने चलो, इनका संगठन मजबूत दिख रहा है। चलो चलिए चलिए सर। भाइयों आप लोगों ने हमारे एकता की शक्ति, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। कांतिराम तेरी न्याय कमाई, तूने सबकी बहुत लड़ाई। और फिर वो वक्त आ गया था जब पूरा बहुजन समाज एक मंच पर खड़ा था। एक तरफ कांतिराम साहब का संघर्ष था तो दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी का। पूरा बहुजन समाज देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार थी और सदियों से झेल रहे अत्याचार के विरुद्ध बिगुल बज चुका था। और आज का दिन था बहुजन समाज पार्टी की ललकार का। बाबा साहब के जन्मदिवस पर आज बहुजन समाज पार्टी के अपना पर उपस्थित सभी जातियों को जय भीम। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं माननीय कांतिराम साहब से निवेदन करता हूं कि वो आए और महापुरुषों की छाया चित्र पर माला अर्पण करें। जय भीम भाइयों। भाइयों मैं सबसे पहले अपने बहुजन समाज में जन्मे इन महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। भाइयों आज आजादी के 37 वर्षों बाद भी हम लोग जानवरों की तरह जी रहे हैं, मगर अब इंसान बनने का वक्त आ गया है। सामाजिक परिवर्तन हमारा प्रमुख उद्देश्य है, हमारा अंतिम उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष में राज्य करना। और भाइयों मांगने वाला नहीं देने वाला बहुजन समाज बनाएंगे। भाइयों क्या आपको मालूम है कि सभी दलों की ताकत हमारा ये बहुजन समाज ही है। हमें विकास करना होगा और साथ ही साथ ये साबित करना होगा कि हम बाबा साहब की ही संतान हैं। भाइयों पूरे भारतवर्ष में 6,743 जातियां हैं जिन्हें जोड़कर हमने बहुजन समाज बनाया है। आज हर बड़े समाज के लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं
कि मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, हमारे पास क्या बचा है बोलने के लिए? अब हम गर्व से कहेंगे, भाइयों, हम बहुजन समाज के लोग हैं। मेरा तो स्वाभिमानी मिशन है भाइयों, और स्वाभिमानी मिशन कहता है कि 100 साल तक बकरी की तरह मिमिया मिमिया के जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह दहाड़ के जिया जाए। भाइयों, अब मैं आपको बाबा साहब के 8 विशेषताओं के बारे में बताता हूं, जिनमें पहली विशेषता थी धर्म। बाबा साहब ने कहा था कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी से बने हैं, उन्हें हक है कि उन्हें समानता का अधिकार मिले। हमें 2 शत्रुओं से लड़ाई करनी है, जिनमें से एक है मनुवाद और दूसरा पूंजीवाद। दूसरी विशेषता है विद्या एवं परिश्रम का महत्व। अधिकारों के लिए संघर्ष करना, वो आत्मसम्मान के लिए जीना ही श्रेष्ठ जीवन है। और तीसरी विशेषता है जातिवाद। जातिवाद को समाप्त करके ही स्वराज को सुरक्षित किया जा सकता है। देश की सभी समस्याओं की जड़ ही है ये जातिवाद। चौथी विशेषता के अंतर्गत बाबा साहब ने कहा था कि मैंने जिस समाज में जन्म लिया है, अगर मैं उसी समाज की समस्या हल नहीं कर पाया तो मैं स्वयं को गोली मार लूंगा। सामाजिक प्रगति राजनीति प्रगति पर ही निर्भर करती है। जब तक हमारे आंदोलन में महिलाएं हिस्सा नहीं लेती, तब तक हम मानव अधिकार प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। छठवीं विशेषता है राजनीति। राजनीति प्राप्त करने की चाहे गति धीमी हो, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। मैं अपने और राष्ट्र के बीच राष्ट्र को ही महत्व दूंगा। सातवीं विशेषता में बाबा साहब ने दलितों के लिए ही संदेश दिया है, आपका एक नेता, एक पार्टी और एक झंडा होना चाहिए। मैं अपने सारे दलित युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम नहीं है। साथियों, इतिहास को भूल जाने वाले कभी इतिहास नहीं बना सकते। आखिर कब तक चलेगा ये चमचा योग? अब आने वाले समय में हमें इस चमचा युग को समाप्त करना है। भाइयों, जरा उन्हें भी तो एहसास करा दिया जाए कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तो भाइयों, अब दहाड़ने का समय आ गया है। दहाड़ो, जितनी जोर से दहाड़ सकते हो दहाड़ो। जय भीम। अकेला ही चला था मंजिल की ओर, मैं चलता गया और कारवां बढ़ता गया। धूम धूम।